हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टेक विद पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट में आप अपना पिन कोड किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट में जब आप एड्रेस डालते हैं तो वहाँ पे पिन कोड भी आपको डालना होता है। पिन कोड से ही क्या होता है ना, आपके एरिया में आपका प्रोडक्ट पहुँचता है, क्योंकि पिन कोड एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपका जो एरिया है वो आइडेंटिफाई होता है। तो ये डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सही डालना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तो किस तरीके से आपको ये डालना है, देखिए अगर आपने एड्रेस पहले से फिल कर रखा है तो यहाँ पर आपको इसको चेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले अकाउंट में हम चले जाते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं सेव एड्रेसेस का, तो इसमें हम क्लिक कर लेते हैं। तो जिसमें हमको देखिए जो हमारे एड्रेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें भी हमको क्या करना है, अपना यहाँ पिन कोड चेंज करना है ना, तो उसमें हमको क्लिक कर लेना है। और अगर आपने अभी तक यहाँ पर एड्रेस नहीं डाला है तो यहाँ पर आप पिन कोड कैसे डालेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको एड्रेस किस तरीके, यहाँ पर पिन कोड किस तरीके से चेंज करना है। तो ये वाले देखिए एड्रेस में ना हमको पिन कोड चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, थ्री डॉट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट पे चले जाएंगे। अब देखिए जो यहाँ पर पिन कोड सेव हो रखा है ना, इसको हमको चेंज करना है। तो जैसे कि हमारा जो पिन कोड है यहाँ पर हमको लास्ट में 667 करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पिन कोड अब यहाँ पर चेंज हो चुका है। हम करना क्या है, हमने पिन कोड हमने नया यहाँ पर डाल दिया है, तो अब क्या करेंगे, सेव एड्रेस पे हम क्लिक कर देंगे। तो सेव एड्रेस पे हमने क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही हमने सेव एड्रेस पे क्लिक करा है तो एड्रेस अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। और दोबारा अगर हम इसमें जाएंगे ना, तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि हमारा जो एड्रेस है वो, जो हमारा पिन कोड है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। देख सकते हैं हमने पिन कोड यहाँ पर चेंज कर दिया, पहले 666 था, अब 667 यहाँ पर आ चुका है। अब मैं आपको बता दूँ, अगर आप नया एड्रेस ऐड कर रहे हैं तो पिन कोड आपको कहाँ डालना होता है, तो ऐड न्यू एड्रेस पर चले जाइए और यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले अपना नाम देना है, फ़ोन नंबर देना है, अल्टरनेट फ़ोन नंबर देना है, उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है ना ये पिन कोड, ये आपको दे देना है। और अगर आपको पिन कोड नहीं पता है अपने एरिया का, तो गूगल में आप सिंपल सर्च कर सकते हैं अपने एरिया का नाम डाल के, पिन कोड वहाँ से आपको पता चल जाएगा। बस इतना काम करना है और नीचे की तरफ ऑप्शन आ रहा है सेव का, इसको आप सेव कर लीजिए और आपका पिन कोड यहाँ से सेव हो जाएगा। और अगर चेंज करना है तो थ्री डॉट पर आपको जाना है, एडिट करना है, जैसे कि थ्री डॉट पर आप जाएंगे एडिट करेंगे और ये पिन कोड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, रिमूव करके आप यहाँ पर नया पिन कोड डाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इतना आसान होता है फ्लिपकार्ट में पिन कोड चेंज करना। तो आई होप दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि अपने एड्रेस में आप पिन कोड किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या नया पिन कोड अगर आप डालें तो किस तरीके से एड्रेस में आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों चैनल पर आपको मिलता है यूट्यूब रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई नई वीडियो हर रोज। चल दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द, इजी टेक विद पंकज।